Hello girls, I am Akansha and today we are going to start exercise 4.2 of chapter 4, that is rational numbers. I hope exercise 4.1 सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी. So let's proceed to the next exercise. इसमें first question है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए. अब एक समीकरण दी गई है द्विघात, जिसके दो घात हैं, और गुणनखंड करके इसके मूल ज्ञात करने हैं. मूल आपको बताया था समीकरण के मान होते हैं, ऐसे मान जिसे समीकरण में रख के जीरो आ जाता है वो उसके मूल या शून्य कहलाते हैं. जीरोज या रूट भी इनको कहते हैं. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो. अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और कांस्टेंट नंबर 10 है. 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा 10 वन जा 10. ये 10 आया. अब 10 की 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका जोड़ या घटाव तो हो 3 के बराबर और गुणनफल हो जिसका 10 के बराबर. तो बच्चों ऐसे कौन से टुकड़े हैं? ऐसे टुकड़े हैं 5 और 2. 5 और 2 को जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 5 दूनी 10, और जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 3. ये देखो, तो अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10. अब फर्स्ट वाली दो टर्म से हमने x कॉमन ले लिया. जब x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 5, और बाद वाली टर्म से 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x माइनस 5. देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में से एक को बाहर लिख लेंगे, और जो अंदर बचा यहाँ बचा x और यहाँ ये बचा 2, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2. अब लेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो एक बार यानी इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे. जब हमने x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा तो हो जाएगा x बराबर 5, और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस 2. अब समीकरण के मूल आ गए हैं क्या? 5 और माइनस 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ऐसे ही सेम 2 करेंगे. इसमें 6 की और 2 की मल्टीप्लाई कर लेना 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करना जिसका जोड़ या घटाव 1 के बराबर हो. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये अंडर रूट वाला है. अंडर रूट को देख के घबराना नहीं. इसमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है रूट 2 और ये जो कांस्टेंट नंबर है 5√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों की मल्टीप्लाई देखो, यहाँ देखो हमने की हुई है, रूट 2 की रूट 2 से गुणा करी तो मिलेगा 2. जब रूट 2 की रूट 2 से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ 2 रह जाता है, और 2 की 5 के साथ करेंगे तो मिलेगा 10. अब 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका प्लस या माइनस करके 7 हो और मल्टीप्लिकेशन 10 हो. तो ऐसे टुकड़े हैं 5 और 2. 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा. अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, x के अंदर मल्टीप्लाई की, 5x प्लस 2x आ गया. अब यहाँ फर्स्ट वाले में से x कॉमन लिया दो टर्म में से, तो x कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस 5, और जब इसमें से देखो आपको वैसे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट इसमें रूट 2 कॉमन है. रूट 2 कॉमन क्यों है? जब 2 में से रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 अंदर बच जाएगा, तो यहाँ भी बच जाएगा रूट 2 एक्स प्लस 5. तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट में से एक यहाँ लिख लिया, और जो बाकी बचा एक्स प्लस रूट 2 वो यहाँ लिख लिया. अब फर्स्ट इक्वेशन पहली कंडीशन लेंगे, इसमें रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 5 अपॉन रूट 2, और एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर मिलेगा माइनस का रूट 2. अतः समीकरण के दो मूल आए हैं, माइनस का 5 अपॉन रूट 2 और माइनस का रूट 2. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें भिन्न में दिया गया है, जो कॉन्स्टेंट नंबर है ये अपॉन में दी गई है. तो इसमें कैसे करते हैं, देखो इस भिन्न का जो हर है वो 8 है, अतः हम 8 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ये लिखा हमने. तो जब 8 से सबसे पहले 2 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 16, फिर 8 से यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 8. जब 8 से 1 अपॉन 8 में गुणा करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 से 8 कट गया तो क्या आया, बराबर 1. ये देखो ये 1 आया. अब यहाँ 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा 16, 16 कम 16. अब 16 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणनफल 16 हो और जोड़ या घटाव कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो हैं वो 4 और 4, 4 चौक 16 और 4 और 4 8. देखो हमने 8 को ब्रेक करके 4 प्लस 4 लिख दिया. अब यहाँ
माइनस की और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस फोर एक्स आ गया। अब फर्स्ट वाली दो टर्म से फोर एक्स कॉमन लिया तो फोर एक्स माइनस वन बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो फोर एक्स माइनस वन बचा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये लिख लिया और जो बचा ये भी फोर एक्स माइनस वन ही बचेगा। बेसिकली फोर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया है तो इसलिए हम एक ही बार निकालेंगे। फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर वन प्लस फोर, दूसरा मान भी वन प्लस फोर ही आएगा। दोनों मान वन प्लस फोर आ गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो देखो इसमें हम मान लेंगे जॉन के पास कितने कंचे थे, एक्स कंचे मान लेंगे, और कुल कंचे कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये देखो 45 कंचे दिए गए हैं। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, एक के पास x हैं और कुल हैं 45, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स बचेंगे। अब दोनों ने पांच पांच कंचे खो दिए, देखो पांच पांच कंचे खो दिए, तो जोन के पास थे x, इसने पांच खो दिए तो इसके हो गए पांच एक्स माइनस पाँच। जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, इसने भी पांच खो दिए तो इसके हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस फाइव, तो ये 45 में से पांच घटा तो आया 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, 124, यानी कंचे खोने के बाद उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 124 होगा। तो कंचे खोने के बाद ये कितना था, जोन का x माइनस फाइव और जीवंती का था 40 माइनस एक्स। दोनों की देखो ये मल्टीप्लाई की हमने, दोनों का गुणनफल आएगा ये। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गुणनफल दिया गया है 24, इसलिए इस गुणनफल को इस 24 के बराबर रख देंगे। तो जब हमने ये बराबर रखा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200, ये वाली इक्वेशन यहाँ रख दी और बराबर 124। अब इस माइनस 124 को इधर ले गए, ये माइनस में हो गया। देखो इस बच्चों इसमें कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन को हमने सोल्व भी किया है जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। तो जब इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ पर दो एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9। एक बार एक्स माइनस 36 को जीरो के बराबर रखा तो x का मान आया 36, और एक बार x माइनस 9 को जीरो के बराबर रखा तो x का मान आया 9। तो x के दो मान आया निकल के 36 और 9। तो अब देखो दोनों ही x के दो मान आते हैं, आपको पता है द्विघात समीकरण में दो ही मान आते हैं, तो दोनों से कंडीशन बनाएंगे। पहला कंडीशन, अगर हम x बराबर 36 लें तो जोन के x 36 कंचे किसके हो जाएंगे, जोन के, क्योंकि x मान था जोन का। जीवंती का कितना मान था, 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा जीवंती का 9। अगर हम जोन के 9 लेंगे, देखो जोन के 9 लिए हैं तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, 36। दोनों ही कंडीशन बनाएंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन में और दोनों को ही अपना आंसर मानेंगे। यहाँ से आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने मध्य पद का वितरण करके टुकड़े किए हैं, इसके फैक्टराइजेशन किए हैं, 324 को के ऐसे टुकड़े किए जिसका जोड़ होना चाहिए 45, तो ये टुकड़े थे 36 और 9। 36 की गुणा 9 के साथ करेंगे तो मिलेगा 324 और 36 और 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 45। ये हमने कॉमन लेके ऐसा ही हल किया है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना एक संख्या मान लेंगे पहली एक्स, और दोनों का योग कितना दिया है 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों का गुणनफल 182 है, यानी एक्स का और 27 माइनस एक्स का गुणनफल है 182। तो देखो हमने यहाँ रख दिया एक्स इधर, एक्स माइनस 27 माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स और इज इक्वल टू में रखा 182। अब x की मल्टीप्लाई अंदर की ब्रैकेट के साथ तो हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब 182 को इधर ले गए, इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये रहा। अब पूरे ब्रैकेट से हमने पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये सबके साइन चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा। यहाँ 27x प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, और यहाँ 182 माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया। तो ये जो माइनस है अब ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेगा जीरो के साथ, तो ये भी जीरो हो जाएगा, इक्वेशन आएगी ये निकल के। अब इस इक्वेशन में 182 के टुकड़े करने हैं, ये आएंगे 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27x मिलेगा।
अब हमने सेम इसको ऐसे ही हल किया है जैसे हम अपने सारे क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। तो एक बार एक्स के यहाँ पर दो मान आएंगे निकल के, 14 और 13। तो जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी 13 हो जाएगी, दोनों का योग 27 है। गुणनफल करोगे तो 182 मिलेगा। और दूसरी कंडीशन में अगर 13 लेंगे एक्स का मान तो दूसरी संख्या वाई, यानी वाई क्या 27 माइनस एक्स जो है वो 14 हो जाएगी। इसमें भी ये दोनों कंडीशन ही आपका आंसर है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। और ऐसे ही क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप उनके प्रैक्टिस कीजिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू गर्ल्स।